नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी ने एक रिजल्ट जारी किया है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आयोग ने कौन सा रिजल्ट जारी किया है और पूरी जानकारी उसके बारे में ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज 21 मई है और आज की डेट में देखिए ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। ऑनलाइन विज्ञापन था आयोग का, ये विज्ञापन संख्या 1/2015-2016 का विज्ञापन था। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष शाखा संवर्ग के लिए संवर्ग के अधीन प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2015 जो कि 25/9/2016 को ये परीक्षा हुई थी, 4 साल से भी ज़्यादा बीत चुका है इसको। इसमें प्रवक्ता हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के जिनके विभाग संख्या उसमें दिए गए थे, ये दिए गए थे विभाग संख्या के अभ्यर्थियों के अत द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार पदों के सापेक्ष 8 गुना की मेरिट के अंतर्गत आते हैं के रजिस्ट्रेशन नंबर अनुक्रमांक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं, उनके लिए आवेदन पत्र, देशना पत्र, प्रमाणीकरण पत्र तथा विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांक पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रदर्शित उक्त प्रपत्रों को डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे और उन्हें भरकर उनके साथ दावे की पुष्टि में समस्त शैक्षिक अभिलेखों तथा आरक्षण के दावों के संबंध में नवीनतम निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न कर स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय प्रयागराज द्वारा निर्धारित काउंटर पर निर्धारित अंतिम तिथि 16/6/2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, ऑनलाइन किए गए दावों के संबंध में सभी अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभिलेखों के अभाव में उनके आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। प्राप्त आवेदन पत्र शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षणोपरांत स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 3 गुना आर्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। 3 गुना बुलाया जाएगा जितनी भी वैकेंसी है उसका थर्ड टाइम, और रिजल्ट कितने निकाला गया, 8 गुना का। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2015 में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्राप्तांकों की सूचना अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत दिए जाएंगे। तो इस पर किसी भी प्रकार की आईटीआई नहीं लगेगी और 8 गुना लोगों का रिजल्ट निकाला जा रहा, तो ये अच्छी न्यूज है कि अगर आपका नाम 8 गुना में भी है, क्योंकि 4 साल बाद रिटर्न का रिजल्ट आया है, बहुत सारे छात्र इधर उधर सेलेक्ट हो गए हैं। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें से जो टॉपर्स होंगे वो तो आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम क्लियर करने की क्षमता रखते हैं 4 साल पहले, वो इस 4 साल में बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।